हाय गाइज, वेलकम टू माई चैनल शानवी एंड मोमी। सो आज का ब्लॉग होने वाला है टॉर्नेटो वाटर पार्क के रिगार्डिंग, कि वहाँ पर कैसी फैसिलिटीज़ हैं और काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि मैं वहाँ कैसे पहुँचे और किन साधनों से आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो हम लोग गए थे हरदा से लेकर इंदौर के देव गुराड़िया बस स्टैंड तक बस से, जिसका किराया पर पर्सन 250 रुपये लगा था। उसके बाद देव गुराड़िया बस स्टैंड से टॉर्नेटो वाटर पार्क तक का हमको ऑटो से 600 रुपये देना पड़ा ऑटो में, बिकॉज ऑटो वाले ने कहा कि 20 किलोमीटर है लेकिन रोड ख़राब है और काफ़ी दूर है और ओला उबर कुछ भी बुक नहीं हो रहा था वहाँ से, इसीलिए हम लोग को जो है ऑटो करना पड़ा जिसका हमको 600 रुपये देना पड़ा। और सच में रोड काफ़ी ख़राब थी, एकदम गिट्टी गिट्टी जैसी रोड थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि जाने में बहुत परेशानी हुई। लेकिन मुझे क्योंकि ये ब्लॉग शूट करना था इसीलिए मुझे जाना था, नहीं तो मैं क्रीसेंट ही जाती। और क्रीसेंट में इंदौर का गई थी, वहाँ का वीडियो मैंने डाला है, वहाँ का वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसकी फैसिलिटीज़ और इसकी फैसिलिटीज़ में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं टॉर्नेटो वाटर पार्क, ये इसका एंट्रेंस गेट है और सामने ही पार्किंग है, बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है, अच्छा खासा एरिया है। और जस्ट इसके सामने जो है तिनछा वाटरफॉल है, जो कि काफ़ी फेमस वाटरफॉल है इंदौर का, बिल्कुल सामने है वो भी। तो यहाँ पर जो है मैं आपको प्राइसिंग बता देती हूँ। फर्स्ट जो इसका प्राइस है वो 500 रुपये है, लेकिन खाने के साथ में वो 750 का पड़ेगा आपको, 250 रुपये का। आप ये समझ लीजिए अनलिमिटेड फूड है 250 रुपये, बाकी 500 रुपये है उसकी फ़ीस, मतलब एंट्री फ़ीस। तो हम लोगों ने 500-500 एंट्री फ़ीस और 250-250 खाने का लिया, जो बफर सिस्टम था। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ लिखी हुई है जिसका रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोगों ने ये नहीं चूज़ किया क्योंकि हमारे साथ बच्ची थी और ये चीज़ें हम कर भी नहीं पाते, और अभी तक मैंने जिन लोगों का वीडियो देखा है कोई भी वाली एक्टिविटीज़ करके नहीं दिखा रहा है, और मुझे भी था कि मुझे नहीं करके दिखाना है, इसलिए मैंने वो वाली टिकट नहीं ली एक्टिविटीज़ की। हम लोगों ने सिर्फ वाटर पार्क की टिकट्स ली, और जो मैंने बताया 500 रुपये टिकट और 250 रुपये उसका खाना था, जो कि बफर सिस्टम था, अनलिमिटेड फूड था। उसमें क्या क्या मिलेगा मैं आपको वो भी आगे बताती हूँ। फिर यहाँ पे इन लोगों ने हमको ये बैंड दे दिया, ये बैंड आपको पहन के रखना है। तो ये बैंड हम लोगों ने पहन लिया है, येलो कलर का है ये, और पानी में गलने वाला नहीं है ये, लौटते समय आपके हाथ में ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री ले रहे हैं, सामान चेक हो रहा है, यहाँ पर एक बार सामान चेक करवाते हैं यहाँ पे कि कोई बाहर का फूड तो नहीं है, क्योंकि बाहर का फूड जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं है अंदर, इसलिए अगर आप खाली टिकट लेंगे तो आपको अंदर भूख ज़रूर लगेगी। बाकी हाँ, वहाँ पर ब्रेकफास्ट है लेकिन उसका टाइमिंग है, आपको अगर खाना लेना है तो वो आपको 500 रुपये में फ्री रहेगा, आपको उसमें अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो हम लोग उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तो यहाँ पे हम लोग टिकट वगैरह सब रख कर एंट्री ले रहे हैं अंदर। ये था इसका एंट्रेंस, बिल्कुल सामने ये दिया हुआ है, इसमें ये हॉर्सेस का पूरा पानी गिर रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको सामने ही वो दिख जाएगा एरो से कि उस तरफ चेंजिंग रूम है, दूसरी साइड रेस्टोरेंट है, एक साइड पूल्स है, इस तरीके से एक तरफ लॉकर है। ये सारी चीज़ों का आपको डायरेक्शन दिख जाएगा ताकि आपको भटकना ना पड़े कि आपको कहाँ जाना है, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये रेस्टोरेंट है बाजू में, ताकि हमको क्योंकि लोकेशन देखना था कि कहाँ पर है, जब एकदम से आना होगा तो, क्योंकि धूप बहुत थी। और एक बात इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब लगी कि जो ग्रीन कलर की पट्टियाँ होती पैरों में जिससे पैर ना जले, वो यहाँ पर बहुत कम थी और इतने ज़्यादा पैर जल रहे थे। भाई वाटर पार्क कोई भी समर में ही आएगा, उसके पैर जलेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आपके पैर ना जलें, जो कि मुझे क्रीसेंट वाटर पार्क की बहुत अच्छी लगी। वहाँ पर पूरे में ये ग्रीन पट्टी डली हुई थी, वो भी गीली गीली, ताकि आपके पैरों में जो है ठंडक लगती है। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट। हम लोगों ने पहले पानी ख़रीदा और खाना हम लोग सेकंड फ्लोर पर खाएंगे, वो हम आगे खा के बताएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने माज़ा लिया, पानी लिया, और यहाँ पे क्लीनिंग टाइम चल रहा है। एक्चुअली मोबाइल इसे थोड़ा सा हैंग हो रहा है क्योंकि धूप में ना काम करना थोड़ा सा बंद कर देता है मोबाइल, और रास्ते भर इतनी ज़्यादा धूप रही थी, 1 घंटे हम लोगों को बैठना पड़ा था ऑटो में, तब जाके हम यहाँ पहुँच पाए थे, इसलिए मोबाइल थोड़ा सा ब्लर हो रहा था। तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है कि ये फूड कोर्ट है, उस साइड में चेंजिंग रूम है, उसी साइड में लॉकर रूम है, और सामने जो है वाटर एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को कैच कर रही हूँ और यहाँ आप 100 रुपये में मोबाइल कवर खरीद सकते हैं जिसका आपका मोबाइल गीला नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं रेंटेड है मोबाइल कवर के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों के लिए ट्यूब्स हैं वो आपको 100 रुपये उसका रेंट है और 100 रुपये डिपॉजिट होगा। फैमिली लॉकर भी 100 रुपये डिपॉजिट होगा, 100 रुपये रेंट है, मतलब आपको 200 रुपये देने हैं, 100 रुपये आपको बाद में रिफंड होंगे जो आप उनको लॉकर की चाबी वापस करेंगे। और ये जो बच्चों का
बच्चों का ट्यूब वापस करेंगे तब भी आपको 100 रुपये जो है रिफ़ंड हो जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ का प्राइसिंग बता दिया है कैसा क्या रहेगा। ये वाटर पार्क जो है थोड़ा सा इको मतलब कि पैसे के मामले में ठीक है, मैं कहूँगी कि पैसा इसमें जो है थोड़ा कम लगा है, 500 रुपये एंट्री फीस है, अच्छा है और कोई भी अफोर्ड कर सकता है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इसकी आगे की चीज़ें। पहले तो ये है कि हम लोग चेंजिंग रूम नहीं जा पाए थे एग्जैक्टली, सीधे बच्ची जो है वहाँ पर हमको ले गई थी वेब पूल में। तो मैं आप लोगों को यहाँ वेब पूल दिखा रही हूँ सिर्फ, बाकी मैं जब तक आपको एक बात बताती हूँ कि यहाँ का चेंजिंग रूम है ना, मैंने अपने हस्बैंड से पूछा बॉयज़ का चेंजिंग रूम कैसा है, तो उन्होंने बताया जैसा जो हमारा एक्सपीरियंस था वही उनका एक्सपीरियंस था। देखो इससे पहले मैं बहुत सारे वाटर पार्क गई हूँ जिनका वॉशरूम ऐसा होता है ना कि भाई मतलब मज़ा आ जाता है आपको, आप नीचे भी अगर कपड़े रख दोगे ना तो आपको बुरा नहीं लगेगा। यहाँ पर तो ना हैंगिंग के लिए कुछ था, अपने कपड़े जो है हैंग तक नहीं कर सकते हो, आपको दरवाजे पर लटकाने होंगे और नीचे गिर गए तो पूरे में गीले में, और मतलब यार इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था ना, इसके शावर काम कर रहे थे ना, वहाँ पर सिटिंग के लिए कुछ भी था, आपको कपड़े चेंज करने हैं, आपको बच्चे को बिठाना है, कुछ भी नहीं, ना जूते रखने के लिए प्रॉपर जगह थी, और जो इनकी वॉशरूम थी ना मतलब जहाँ पे हम लोग शावर लेके कपड़े चेंज करते हैं, बाप रे उनके बारे में तो मैं क्या बोलूँ, जो पब्लिक टॉयलेट्स होती है ना बिल्कुल वैसी थी वो, बिल्कुल वैसी एकदम। उन्हें छोटा सा कॉर्नर दे दिया है जहाँ पर एकदम गंदा, मे बी वो टॉयलेट के लिए दिया था, उसका हल्का सा एरिया है वहाँ पर आप कपड़े चेंज करो, उसके बाद वहाँ हैंगिंग के लिए कुछ भी नहीं है, शावर भी आप अच्छे से नहीं ले सकते क्योंकि नली नहीं का काम कर रहे थे वहाँ पर। उसके बाद वहाँ पर सिटिंग के लिए भी कुछ भी नहीं था, ना कुर्सी रखी है ना कुछ रखी है, बिल्कुल मतलब इतनी ज़्यादा गंदी व्यवस्था थी ना अंदर की, तो बहुत ज़्यादा है। मुझे सबसे ज़्यादा इनका जो बेकार लगा वो चेंजिंग रूम ही लगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए ना आपको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। इसके बिल्कुल जो हम देव गुराडिया बस स्टैंड पर उतरे वहाँ से ही नियर बाय था क्रीसेंट वाटर पार्क, लेकिन हमको क्योंकि यहाँ पे आना था और कंपेयर वीडियो बनाना था एक्चुअली, तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई। बाकी यहाँ की फैसिलिटी, यहाँ पर सेफ्टी कुछ भी नहीं है। यहाँ की मैं सेफ्टी की आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना जो स्लाइड्स होती हैं, पूल्स होते हैं, वहाँ पर पानी नहीं बह रहा है अच्छे से, मतलब कि ऐसा आप बीच में अटक जाओगे, अगर आपके पीछे कोई आ रहा है तो बीच में ही आप अटके रहोगे, आपको मैनुअली उसको आके नीचे आना पड़ेगा और बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसके बाद एक और चीज़, यहाँ का जो कोई सा भी पूल ले लो आप, इतने ज़्यादा बाल पड़े हैं, इतना ज़्यादा गंदा, मेरे पैर में कम से कम 5-6 क्लेचर आके गड़े, मतलब इतना ज़्यादा एकदम लगा कि यार ये क्या लग गया पैर में। तब मैंने देखा कि यार यहाँ तो क्लेचर नीचे टूटे पड़े हैं, किसी का गॉगल पड़ा है, और जितने ये चीज़ें ऐसी रैंडमली हमसे भी गिर सकती है। लेकिन ना वहाँ पर बाल तो इतने थे ना, हर कहीं से मुंह में बाल आ रहे हैं, हर कहीं से हाथ पैर में बाल आ रहे हैं, और यार मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इनकी फैसिलिटी गंदी लगी इस मामले में बहुत ज़्यादा। खाना भी बिल्कुल अनहाइजीनिक था, तो हम लोग यहाँ पर बफे सिस्टम में गए थे, वहाँ पर भी बिल्कुल गंदा, मतलब ज़मीन पे बाल पड़े हैं, ज़मीन गंदी है, ना कोई सफाई कर्मचारी ना कुछ, मतलब इसमें जो है हाइजीन के मामले में इसको बिल्कुल भी रेटिंग नहीं देना चाहूँगी, इट कुड भी माइनस, मतलब कि बिल्कुल माइनस में आप इसको नेगेटिव मार्किंग दे सकते हो, इतना ज़्यादा गंदा था ये। और यहाँ पर आए हम लोग ये स्लाइड्स वाले में, और स्लाइड पे बहुत कम लोग जा रहे थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहाँ पे मैनुअली जाना पड़ रहा था, पानी नहीं था वहाँ पर, तो ये व्यवस्था जो है बहुत ज़्यादा गंदी लगी। और ये शिकायत हमने बहुत से लोगों के मुँह से सुनी कि सबको ये प्रॉब्लम है, वॉशरूम बहुत गंदे हैं, पानी बहुत गंदा है, स्लाइड्स पर सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। 500 रुपये है मान रहे हैं सस्ता है, लेकिन एटलीस्ट सेफ्टी तो हो वहाँ पर थोड़ी बहुत। तो यहाँ पर 3 पूल हैं, 1 है किड्स पूल जिसके अंदर बच्चों के लिए छोटे छोटे स्लाइड्स हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छे हैं। 2nd जो है वेब पूल है जहाँ पर आप यहीं पर आप एक ऐसी जगह है जहाँ पे फ़न कर सकते हो अच्छे से। उसके बाद 3rd है थर्ड स्लाइड पूल, जहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी ना, वहाँ पर बड़े लोगों के लिए तैरने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद यहाँ पर जो है बारिश स्टार्ट हो गई थी, हम लोग बस एक ही बार वेब पूल में जा पाए थे। गुलाब जामुन, रोटी, 6 रोटी, चावल, पापड़, सैलड, पनीर की सब्ज़ी, दाल एंड भिंडी की रोटी, भिंडी की सब्ज़ी। यह 2nd तो ठीक है, टॉर्नेटो वाटर पार्क जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप टोटल इन्जॉय यहाँ पर नहीं कर पाओगे। तो इस ब्लॉग में यहीं तक था, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।